Good morning, you guys. Welcome to my channel, Come On Shine. And uh, I am sorry that I was not uploading videos, uh, uh, maybe last few weeks because I'm having my exam and I have to prepare for that also. But then I thought that I should not be absent. <laughs> then I, I, I'm going to today. I'm going to deal with the Tuglak by grish Karnat indian playwright his most of the plays are written in kannada language so tuglak is also written in kannada language so before going to the topic i would like to say one thing to you that please subscribe my channel and hit the bell icon by which you would be up, you would be updated whatever i will upload on my uh, channel so without wasting our precious time let's move to the video so first of all the introduction part so तुगलक एक 1964 इंडियन कन्नाडा लैंग्वेज में लिखा गया प्ले होता है जो कि ग्रीश कन्नड के द्वारा लिखा गया है ये एक थर्टीन सीन का प्ले होता है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज को दर्शाता है एंड इट वाज फर्स्ट स्टेज इन उर्दू इन 1966 सिक्सटी सिक्स एज अ स्टूडेंट प्रोडक्शन एट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फिर 1972 सेवेंटी टू को इसको पुराना किला जो कि दिल्ली में मौजूद है वहाँ पर स्टेज कराया गया कराया गया था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है पुराना किला में जो स्टेज कराया गया था इसको वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है फिर 1970 में मुंबई में इंग्लिश में इनेक्ट किया गया था ये ये एक हिस्टोरिकल प्ले है और एक तरह से कमेंट्री है जो कि नाइनटीन के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पर बेस्ड होता है ओके अब चलते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर सो कैरेक्टर्स फर्स्ट कैरेक्टर इज़ मोहम्मद बिन तुगलक हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले ये एक एम्पेर होता है ओके okay? और दूसरा जो है कैरेक्टर वो है हिज स्टेप मदर मोहम्मद बिन तुगलक की स्टेप मदर जो उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती है एंड थर्ड कैरेक्टर इज़ अजीज़ अजीज़ जो होता है ये एक चालाक आदमी होता है जो तुगलक को डिसीव करता है ख़ुद को डिस आई एम सॉरी एक चालाक आदमी होता है जो तुगलक को डिसीव करता है ख़ुद को डिस्गाइज करके फिर नेक्स्ट है आज़म आज़म अजीज़ का दोस्त होता है फिर नेक्स्ट है फिफ्थ है नाजिब या फिर नजीब ये एक एडवाइज़र होता है और कॉन्फिडेंट होता है किसका तुगलक का सिक्स है शेख इमामुद्दीन ये क्या है ये तुगलक को फुलिश एक्ट जो करता है तुगलक उसका एक क्रिटिक होता है उसका विरोध करता है फिर सेवेंथ uh, कैरेक्टर है uh, शहाबुद्दीन या फिर शहाबुद्दीन एंड देन एनुल मुल्क जो होता है वो तुगलक का पुराना दोस्त होता है लेकिन फिर बाद में वो उसका एनिमी बन जाता है अनुल मुल्क, लास्ट है रतन सिंह रतन सिंह कौन होता है अडॉप्टेड ब्रदर uh, होता है किसका शहाबुद्दीन का अब चले चलते हैं प्लॉट की तरफ So, जैसे ही प्ले की शुरुआत होती है तब रीडर्स को मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट के बारे में इंट्रो टाइप जानकारी मिलती है जहां तुगलक ये डिक्लेयर करता है कि वो दिल्ली जो कैपिटल होता है उसको शिफ्ट करके दौलत ले जाना चाहता है जिसे देवगिरी भी कहते हैं दौलत साउथ इंडिया में स्थित है और दिल्ली से बहुत लंबा इसका रास्ता होता है इस डिसीज़न के पीछे उसका दो पर्पस होता है पहला कि ये ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर अच्छे से रूल कर सकता है और हिंदुओं से कंपेनियनशिप uh, को बढ़ा सकता है जिससे हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच यूनिटी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और दूसरा पर्पस होता है कि ये नॉर्थ साइड के मोंग uh, के मोंगल्स uh, के अटैक से अपने रीजन को बचा सकता है ठीक है फिर एक दूसरे कैरेक्टर की यहाँ एंट्री होती है वो है अजीज अजीज जो कि एक पर्पज़ के तहत मुस्लिम आइडेंटिटी को चेंज करके हिंदू बन जाता है ठीक है जैसा कि मैंने कैरेक्टर में बताया था कि ये खुद को डिस्गाइज करता है बहुत टाइम्स तुगलक मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदुओं के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा रखता है अपने दिल में तो और वो चाहता है ख़ुद को एक आइडियलिस्ट बनाना जिसका सपना होता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच की यूनिटी बने यूनिटी जो है उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच फिर अजीज जो होता है वो इसी बात का फ़ायदा उठाता है तुगलक के इसी इसी सपने का फ़ायदा उठाता है तो अजीज क्या करते हैं कि एक हिंदू ब्राह्मण का नाम लेता है विष्णु प्रसाद वो बन जाता है और फिर ज़मीन को अनफेयरली तरीके से एक्वायर करने के लिए एक केस फाइल कर देता है कि उसके ज़मीन को इलीगली एक्वायर किया गया है तो फिर उसे भूमि अर्जन के नाम पर एक बहुत अच्छा रकम भी मिलता है ठीक है फिर तुगलक अपने कोर्ट में लोगों को इनवाइट करता है क्यों क्योंकि दौलताबाद सेटल होने के लिए लेकिन लेकिन वो किसी पर फोर्स नहीं करता उनके अपनी मर्ज़ी पर छोड़ देता है लेकिन अज़ीज़ और आजम दौलताबाद के रास्ते में लोगों को चीट करने का प्लान बनाते हैं जैसे उनको ये खबर मिलता है कि जो तुगलक है वो अपना कैपिटल को शिफ्ट करना चाहता है दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। तो अज़ीज़ और आज़म जो अज़ीज़ का दोस्त होता है वो सब प्लान बनाता है कि कैसे पीपल को चीट किया जाए इस रास्ते में फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ तुगलक अपने प्राइवेट चैम्बर में चेस खेल रहा होता है और उसकी जो स्टेप मदर होती है वो वहाँ आती है और उससे उस उससे ही बातों के दौरान में जो स्टेप मदर तुगलक से बात करती है उसी बातों के दौरान में इस बात का जिक्र किया जाता है कि तुगलक ने अपने फादर एंड ब्रदर का मर्डर किया था फॉर द थ्रोन ओके एक्चुअली मुल्क जो तुगलक का एनिमी बन जाता है वो अपने तीस हजार सोल्जर्स के साथ याद रखिएगा थर्टी थाउजेंड सोल्जर्स के साथ तुगलक के स्टेट पर हमला करना चाहता है जबकि तुगलक के पास सिर्फ सिक्स थाउजेंड सोल्जर्स ही रहते हैं तो स्टेप मदर जो होती है वो उसको एक तरह से डांटती है फॉर हिज नेग्लिजेंस टूवर्ड्स द अपराइजिंग लेड बाई मुल्क मतलब उसको डांटती है कि वो उसको इग्नोर करता है इस बात पे वो केयर नहीं करता तुगलक कि उसके पास सिर्फ सिक्स थाउजेंड ही सोल्जर्स हैं और एनुल मुल्क के पास थर्टी थाउजेंड सोल्जर्स हैं फिर स्टेप म, स्टेप मदर क्या करती है ज़ियाउद्दीन बरानी जो कि एक हिस्टोरियन होता है उससे बोलती है कि तुगलक को फुलिश एडवाइजर्स लाइक नाजिब जो होता है वो उसका एडवाइज़र होता है तुगलक का उससे दूर रखने के लिए बरानी को जस्ट समझाती है फिर शेख इमामुद्दीन दूसरा इम्पॉटेंट कैरेक्टर था जो इस स्टेज पर अपीयर होता है जो कि सुल्तान तुगलक को बिल्कुल पसंद नहीं करता है जबकि उसके खिलाफ लोगों को भड़काता भी है कौन शेख इमामुद्दीन और तुगलक को भी इस बात का पूरा पता होता है तो वो क्या करता है कि वो उसको रॉयल ड्रेस पहनाकर एलिफेंट पे बैठाकर एनुअल मुल्क से पीस का प्रपोजल के तहत मिलने को भेजता है ठीक है मुल्क जो उसके लिए मतलब अटैक करने का तैयारी करता है सोल्जर्स को जु, 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 जुगाड़ करता है तो तुगलक क्या करता है कि शेख इमामुद्दीन को ही मतलब कि रॉयल ड्रेस पहना करके एलिफेंट पे बैठा करके उसको वहाँ पर पीस के लिए प्लीड करने को भेजता है तो सबको सोचता है कि यही तुगलक है फिर फिर उधर से खबर आती है कि शेख इमामुद्दीन का मर्डर हो जाता है क्योंकि रॉयल ड्रेस में पहने देख कर तुगलक के एनिमीज़ जो होते हैं वो गलत फहमी से उसी को मार देते हैं फिर रतन सिंह आमिर और सैयद तुगलक का मर्डर का प्लान बनाते हैं क्योंकि ये ही एक रास्ता बचता है उसको फुलिश एक्ट तुगलक के फुलिश एक्ट को रोकने का तो वो लोग सुल्तान तुगलक को प्रेयर के दौरान मारने का प्लान बनाते हैं बट फिर उनका ये प्लान रिवील हो जाता है और उनको डेथ सेंटेंस्ड कर दिया जाता है और तुगलक उनके डेड बॉडीज़ को पब्लिकली मतलब हैंग करने का ऑर्डर देते हैं फिर दूसरा रेडिकुलस डिसीज़न तुगलक क्या लेता है कि वो कॉपर और ब्रास मेटल का करेंसी बना बनाने का ऑर्डर देता है और बोलता है कि सारे क्वाइंस का इक्वल वैल्यू होगा चाहे वो गोल्ड हो सिल्वर हो या कॉपर हो या फिर ब्रास हो क्या आप इस चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो अभी के सिनारियों में कुछ ऐसा हुआ जो आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं एनीवेस फॉर इट फिर तुगलक जो है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कैपिटल को शिफ्ट करना चाहता है दिल्ली से दौलत आबाद ऑन द वे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं कोई भूख से कोई बीमारी से या फिर कोई अदर रीजन से फिर अजीज़ और अजीज़ जो है अपने दोस्त आज़म के साथ मिलकर बात करता है कि आ, कैसे लोगों को फूल बनाया जाए और उससे पैसा निकाला जाए फिर सीन शिफ्ट होकर दौलताबाद जाता है फिर खबर आती है कि नाजिब जो है उसकी मृत्यु हो जाती है जो कि मतलब तुगलक को झंझोड़ कर रख देता है बहुत ज्यादा इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बहुत ज्यादा ही मतलब तुगलक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एक तरह से ये ट्रैजिक फ्लॉ का भी काम कर फिर बाद में सम इस बात का खुलासा होता है कि नाजिब को जो है तुगलक की स्टेप मदर ही पॉइजन दे करके उसको मार देती है इस बात से तुगलक और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और स्टेप मदर को अरेस्ट करने का हुक्म देता है और बोलता है कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जा हो जाए तब तक उस पर स्टोन पेल्टिंग किया जाए मतलब कि स्टोन थ्रो करके जो आप कभी कभी देखते होंगे स्ट्राइक वगैरह होता है वहाँ पर स्टोन फेंका जाता है तो उसी तरह से इस पर भी स्टोन पेल्टिंग किया जाए एंड ऑल सच डजन्स आर प्रजेंटेड एज द सीवियर फ्रस्ट्रेशन ऑफ हिज माइंड और फिर ये जो था ये सब एक ट्रैजिक फ्लॉ का भी काम करता है तुबलक प्रेयर्स पर भी बैन लगा देता है पहले ही लेकिन फिर पब्लिकली ये अनाउंसमेंट करता है कि ग्यासुद्दीन अब्बास ठीक है एक ये मौलाना हाफज टाइप से होते हैं ये आते हैं वहाँ पर वो जब आएंगे तब ये बैन को हटा दिया जाएगा जो प्रेयर्स पे बैन होता है उस बैन को हटा दिया जाएगा लेकिन लोगों को इस चीज़ से कोई भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो लोग हंगर से मारे जा रहे थे फिर अजीज़ के हाथों ग्यासुद्दीन अब्बास की मृत्यु हो जाती है रास्ते में ही अब अजीज़ जो है वो खुद को डिस्गाइज कर लेता है और ख़ुद ग्यासुद्दीन अब्बास बन जाता है उसके पीछे उसका मोटिव होता है कि वो सुल्तान को फज़ फज़ मतलब होता है ठगना मतलब चीट करना किसी के साथ करेगा और जितना हो सके उतना तुगलक को डिसीव करेगा उसको धोखा देगा फिर आजम जो अजीज का दोस्त होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है और सम हाउ अजीज की आइडेंटिटी जो होती है वो तुगलक के सामने खुल जाती है फिर अजीज सारी कहानी बताता है कि वो किस तरह से उसको चीट किया फिर उसके ये रिवलेशन ऑफ फैक्ट इस, आ, ने तुगलक को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया अज़ीज़ जो सच सच सब चीज़ बता दिया था कि किस तरह से वो उसको चालाकी से रिसीव किया क्या क्या किया तो ये कहानी उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है फिर तुगलक उसको कोर्ट के एक पावरफुल पोजिशन के लिए अपॉइंट कर लेता है ये डिसीज़न लेने के बाद तुगलक सोने सोने जाते हैं और फिर जब वो सोकर सुबह उठता है तब उसको ये रियलाइज होता है कि वो पागल हो गया है और प्ले यहीं पर ख़त्म हो जाती है आई डोंट नो कि आपको स्टार्टिंग uh, में कैसा लगा होगा लेकिन लास्ट में आप हंसे ज़रूर होंगे इफ़ यस देन यू हैव टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन यस इफ़ नो देन नो और राइट और इसका मेन थीम जो होता है वो आइडियलिस्टिक लीडरशिप होता है और आप इस आइडियलिस्टिक लीडरशिप में ये एक कोटेशन यूज़ कर सकते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट थीम होता है वो होता है रिलीजियस टॉलरेंस एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है इसका ये भी आप मतलब देख सकते हैं स्क्रीन पे जो मैं लिख करके दे दी हूँ आपको इसको आप अपने आंसर शीट में शामिल भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक और फिर तीसरा इम्पॉर्टेंट थीम होता है वो होता है डिसगैस एंड दैट्स इट और आप ये देख सकते हैं डिस्गाइज का ये कोटेशन आप अपने आंसर शीट में ऐड कर सकते हैं इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड एनी वेयर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन दैन प्लीज़ एट वॉट ड्रॉप मी मैसेज इन कॉमेंट सेक्शन एंड या सब्सक्राइब माई चैनल कीप लविंग लिटरेचर एंड कीप लविंग मी बाय टेक केयर